आईपीएल 2021 में प्लेऑफ्स की तीन टीमें पहले से पक्की हो चुकी हैं। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना स्थान पहले ही पक्का कर चुकी हैं। वहीं चौथी टीम के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पहुंचना भी लगभग साफ है, लेकिन इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। ये इंतजार इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। केकेआर के प्लेऑफ्स में पहुंचने पर मुहर आज मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के मैच के मिजाज को देखते हुए ही लगी। अब ये मुहर आज इस मैच में टॉस के वक्त ही लग जाती है या उसके खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल प्लेऑफ्स के समीकरण के लिहाज से आज मुंबई का टॉस हारना मना है। आज ना तो वो टॉस हार सकते हैं और ना ही मैच। अगर मुंबई वाले टॉस हारते हैं तो केकेआर को उसी वक्त प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा, और अगर टॉस जीत गए तो फिर मैच सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि मैच में आज कुछ ऐसा करिश्मा करना होगा जो आईपीएल के इतिहास में आज तक नहीं। दरअसल आईपीएल 2021 की पिच पर आज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीत लेते हैं तो जाहिर है कि वो हर हाल में पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि पहले गेंदबाजी का ऑप्शन उनके लिए डिलीट हो चुका है। अब अगर पहले बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, कम से कम जो 200 प्लस रन का हो, क्योंकि उससे कम की तो सोच पाना भी उनके लिए मना है। इतने रन बनाने के बाद उनके गेंदबाजों की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हैदराबाद को इतने रन पर ऑल आउट कर दें कि दोनों टीमों के बीच जीत का अंतर कम से कम 171 रन का तो हो ही। इन समीकरणों पर खरे उतर कर ही आज मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकेगी, नहीं तो केकेआर को प्लेऑफ खेलने का लाइसेंस मिल जाएगा। उधर एक मुकाबला आज आरसीबी और दिल्ली के बीच में भी है। आरसीबी प्लेऑफ में है लेकिन उसकी कोशिश आज मैच को जीतकर टॉप 2 टीमों में जगह पक्की करने की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप 2 में रहने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने के दो मौके होते हैं। हालांकि आरसीबी के लिए ये काम मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने जितना ही मुश्किल है। उसे दिल्ली कैपिटल्स को आज कम से कम 163 रनों से हराना होगा तभी दाल गलेगी, लेकिन ये संभव नहीं दिख रहा क्योंकि आईपीएल में रनों के लिहाज से जो सबसे बड़ी जीत है वो 146 रनों की। ऐसे में मुंबई की टीम को तो एड़ी चोटी का जोर लगाना ही होगा, साथ ही आरसीबी की टीम तो ये सोच रही होगी कि हम हारे या जीते हम रहेंगे तो तीसरे पायदान पर ही। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।